दोस्तों अगर आप भी सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह को अच्छा बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहले T20 मुकाबले में सूर्य कुमार यादव ने जड़ा शतक, तो वहीं मौका मिलने के बाद रिंकू सिंह ने भी वेस्टइंडीज के उड़ा डाले परखच्चे। बीच मैदान पर T20 इतिहास में कर दिखाया ऐसा बड़ा कारनामा जिसको देख पूरी दुनिया रह गई हैरान। तो दोस्तों भारत वेस्टइंडीज के पहले T20 मुकाबले में सूर्य कुमार और रिंकू सिंह की बल्लेबाजी तो आपको वीडियो में दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि सूर्य कुमार यादव, रिंकू सिंह, रोहित शर्मा, जडेजा, हार्दिक में से कौन अच्छा बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज में भाग ले रही है, और दोस्तों इस T20 मुकाबले का बेसब्री से पूरे भारत को इंतजार था, और आखिरकार वो पल अब आ ही चुका है जब हम सभी ने देखा कि यहाँ पर कैसे सूर्य कुमार यादव की बदौलत और रिंकू सिंह की वजह से टीम इंडिया ने मुसीबत में फंसे मुकाबले में वापसी की, और न सिर्फ वापसी करते हुए रन ठोकर डाले इतने ज्यादा, बल्कि उन्होंने वेस्टइंडीज की टीम की खटिया खड़ी कर दी। हुआ ये कि दोस्तों मुकाबले की शुरुआत कप्तान हार्दिक पांड्या के टॉस जीतने के साथ होती है, जहां हार्दिक पांड्या ब्रेन लारा क्रिकेट अकेडमी स्टेडियम पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लेते हैं। शुरुआत में तो सबको यही लग रहा था कि बिल्कुल गलत यह फैसला हार्दिक पांड्या का है, और वो जब भी 5 मैचों की T20 सीरीज होते हैं उसमें ऐसे ही टॉस जीतने के बाद गलत फैसले लेकर अक्सर फंस जाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इस फैसले को बिल्कुल सही सूर्य कुमार यादव ने अंत में जाकर साबित कर दिया। दरअसल हुआ ये कि जब भारतीय टीम की तरफ से ईशान किशन और शुभमन गिल पारी की शुरुआत करने के लिए उतरे, तो यहाँ पर ना तो ईशान किशन का बल्ला चल पाया और ना शुभमन गिल ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर पाए। दोनों बल्लेबाज बेबस नजर आए, और वेस्टइंडीज के गेंदबाजों ने यहाँ ईशान किशन को मात्र 13 रन पर आउट किया, तो वहीं शुभमन गिल 19 रन बनाकर आउट हो गए। अब दोस्तों ये दो बड़े झटके लग जाने के बाद भारतीय टीम काफी ज्यादा मुसीबत में आ चुकी थी, लेकिन अभी भी उम्मीदें खोई नहीं थी, क्योंकि 4th नंबर पे बल्लेबाजी करने के लिए यशस्वी जायसवाल उतरे, जहां यशस्वी जायसवाल ने आज के इस मुकाबले में भारतीय पारी को संभालने का काम किया, और 25 रन की पारी उनकी तरफ से देखने के लिए मिली, जहां अपनी इस पारी में उन्होंने 2 चौके और 2 छक्के जरूर लगाए, लेकिन दोस्तों वो भी टीम के स्कोर को ज्यादा आगे तक लेकर नहीं जा पाया। अब भारतीय टीम काफी ज्यादा दबाव में आ चुकी थी। दूसरी तरफ खड़े सूर्य कुमार यादव ये नजारा बेबस होकर देख रहे थे, लेकिन वो भी बखूबी जानते थे कि अगर मैदान पर वापसी करनी है तो यहाँ पर ताबड़तोड़ रन बरसाने जरूरी हैं। इसीलिए सूर्य कुमार यादव ने अपने बल्ले को रोका नहीं, और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए वो अपने सबसे पहले तो अर्धशतक को पूरा कर लेते हैं, और यहाँ पर अर्धशतक पूरा कर देने के बाद सूर्य कुमार यादव कहाँ रुकने वाले थे, उन्होंने यहाँ शतक भी जड़ दिया, और अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने 11 चौके और 4 बड़े छक्के भी लगाए, जैसा कि आप सब यहाँ पर देख भी सकते हो। तो वहीं सूर्य कुमार यादव का साथ निभाने वाले रिंकू सिंह भी यह सब देखकर कहाँ पीछे रहने वाले थे। जी हाँ दोस्तों, रिंकू सिंह को भले पहले वेस्टइंडीज के खिलाफ दौरे में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन रिंकू सिंह को जनता की गुजारिश के बाद BCCI ने एक मौका देने का फैसला किया, और उसी एक मौके का फायदा रिंकू सिंह ने उठाया, जहाँ रिंकू सिंह सूर्य कुमार यादव के साथ मिलकर और भी ज्यादा घातक बन चुके थे, और रिंकू सिंह की बदौलत टीम इंडिया यहाँ पर बड़े शॉट लगाते हुए सबसे पहले तो 200 रन के आंकड़े को पार कर देती है, वो भी मात्र 15 ओवर में। और फिर क्या था, यहाँ पर 200 रन का आंकड़ा पार कर देने के बाद रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव ने एक अलग रुख अपनाया, जिसके चलते यहाँ भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले ही T20 मुकाबले के वार्म अप मैच में 255 रन जड़ डाले, और 256 रन का लक्ष्य वेस्टइंडीज की टीम के आगे था। हालांकि T20 में बनाया गया ये सर्वाधिक स्कोर अब बन चुका है, जहाँ भारतीय टीम ने यह कारनामा करके इतिहास रच दिया। बाकी दोस्तों यहाँ पर सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह की 98 रन की पारी देखने के बाद अब आप सभी की क्या राय है, और आप रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव को उनकी बल्लेबाजी के लिए 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।